बड़ों को नमस्ते, छोटों को हेलो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतीक ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग, आए हो पछो में। सो गाइस, आज है देवउठनी। हैप्पी देवउठनी टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। सो मैं दिखाता हूँ, मम्मा ने देखो देवउठनी बना ली है। ये जी, अभी दिखाता हूँ मैं और मम्मा से ही मिलवाता हूँ। सो लेट्स गो। मम्मा, ये क्या बना रहे हो? ये देव उठनी बना रही हूँ। देव उठनी क्या होता है? आज के दिन देव उठते हैं। देव सो रहे थे? हाँ, 4 महीने पहले सोए थे, आज उठ रहे हैं। अब देव सुला देंगे, फिर शाम को देव उठेंगे। ठीक है, शाम को कब? शाम को सूरज ढलने के बाद। नहीं, शाम को उठते हैं। क्या क्या है इसमें देव उठनी में? देव उठनी में है कृष्ण भगवान जी, लक्ष्मी माता जी। भाई जी, मम्मी अभी देव को सुला रही है। हम देव सुला रहे हैं, शाम को देव को उठाएंगे। जय देव। बैठो देव पाठ पिली चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव पाठ पिली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव, आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव, कोड़ा कृष्ण मीठा पानी उठो देव पियो पानी कोड़ा। गन्ने का भोग लगाओ दे, सिंगाड़े का भोग लगाओ दे, बेल का भोग लगाओ दे, गाजर का भोग लगाओ। सो गाइस, जैसा आप सब लोग देख सकते हैं, ये है हमारी तुलसी माता। आप सबको पता ही होगा कि देवउठनी वाले दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो ये मम्मी तुलसी माता की पूजा कर रही है इस टाइम पे। आज के दिन तुलसी माँ और शालिग्राम जी का विवाह हुआ था। तो मम्मी हर साल ये करती है और पूरा श्रृंगार करती है मम्मी। जो एक ये मम्मी आपको बता रही है, देखो आप मम्मी की वॉइस सही से आ नहीं पाई है कि क्या क्या रखा है मम्मी ने पूजा में। ये एक जोड़ी कपड़े हैं शालिग्राम जी के लिए भी है और पूरा श्रृंगार है, 16 श्रृंगार तुलसी माँ के। चुनरी है माँ की, पोशाक है, हल्दी मेहंदी सब चीज़ है। और ये मम्मी हर साल करती है। कहते हैं जो तुलसी विवाह कराता है, जिसकी बेटियां नहीं होती है उसको तुलसी विवाह करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का कन्यादान होता है। मम्मी के तो दो दो बेटे हैं मगर मम्मी फिर भी करती है। ये देखो तुलसी माँ के मम्मी अब हल्दी लगा रही है। गाइस, हमें पता है ये सब लोग ये चीज़ें नहीं करते, मगर जितना हमें पता है हम उतना करते हैं। और इसमें मम्मी को सुकून मिलता है, मम्मी वो चीज़ करती है। और ये देखो मम्मी के साथ देते हैं, अरे पापा पूरा साथ देते हैं, कहीं भी वो नहीं करते।
होता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, पापा बहुत अच्छे तरीके से मम्मी का साथ देते हैं इन सब चीज़ों में, पापा को भी बहुत अच्छा लगता है। आइए देखो मम्मी अब श्रृंगार करेंगी तुलसी माँ का, जैसे प्रॉपर मैरिड वुमेन का होता है उस तरीके का मम्मी ने श्रृंगार करा था माता रानी का। और ये हर साल करती है मम्मी, कहते हैं कि वह नहीं करती, बस पूजा करती है माता रानी की उस तरीके से जैसे शादी होती है, गठजोड़ी की रस्म जो होती है वो करती है। ये देखो मंगलसूत्र भी लगी मम्मी पूरा प्रॉपर, कितने प्यारे लग रहे हो तुलसी माँ देखो। और मम्मी ने खुद ने आज रेड सूट पहना है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो मम्मी ने तुलसी विवाह कर लिया है, तो अभी खाना बनाया मैंने, कचौड़ी और खीर और सब्जी और पूरी शादी वाला खाना बनाया हमने आज। सो गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, एक लाइक करना और शेयर एंड सब्सक्राइब करो, प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की अभी इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है हमें। और हैप्पी देव प्रबोधनी एकादशी आप सबको, आगे हमारे ब्लॉग्स आते रहेंगे, कुछ दिनों बाद थोड़ा गैप हो जाता है कुछ किसी वजह से, सो इन्जॉय, बाय, गुड नाइट।